हेलो फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि करनाल हरियाणा के अंदर है, उसमें कुछ नॉन टीचिंग की वैकेंसीज निकली हुई हैं। उसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है, कहीं कोई स्किप नहीं करना है। फ्रेंड्स, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एस के एजुकेशन में। लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। ये देखिए, आप इसमें कंप्लीट जानकारी लिखी हुई है और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं विद दिस एप्लीकेशन फॉर्म, सभी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो पहुंच जाने चाहिए द रजिस्ट्रार महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस एट हॉर्टिकल्चरल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उचाणी, जो कि करनाल, पिन कोड नंबर है 132001 और शाम को 5 बजे 31 मई 2023 तेईस की लास्ट डेट है ये। तो इसके अंदर तो यही था। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको पूरी पोस्ट डिटेल्स हम आपको बताएंगे, कितनी वैकेंसी हैं, क्या पे लेवल मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे फर्स्ट जो पोस्ट है वो है सेक्रेटरी टू वाइस चांसलर, एक पोस्ट है इसकी, FPL 12 है। प्राइवेट सेक्रेटरी 1 पोस्ट है। फंक्शनल पे लेवल, FPL फुल फॉर्म होती है फंक्शनल पे लेवल 8 है। सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर 3 वैकेंसी हैं, इनके लिए जो FPL है वो 6 है। लाइब्रेरी असिस्टेंट 2 वैकेंसी हैं, FPL 6 है। जूनियर इंजीनियर सिविल 3 पोस्ट हैं, FPL 6 रहेगा। जूनियर प्रोग्रामर 1 पोस्ट, FPL 6 है। हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर 4 वैकेंसी हैं, FPL 2 रहेगा इनके लिए। स्टोर कीपर 2 वैकेंसी हैं, FPL 2 हैं। लैब असिस्टेंट 3 है, FPL 2 रहेगा इनके लिए भी। और अकाउंट्स क्लर्क के लिए 2 वैकेंसी हैं और FPL रहेगा, वो भी 2 है। ये जो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है ये आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए, ये डेपुटेशन बेसिस पे हैं ये सारी पोस्ट हैं। फ्रॉम अमंगस द एग्जिस्टिंग, कहीं ना कहीं अगर कोई भी रेगुलर एम्प्लॉय वर्किंग कर रहा है, वो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो, बोर्ड्स हो, कॉरपोरेशन हो, ICR इंस्टीट्यूट हो, या जुडिशियल कोर्ट्स हो और एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन हरियाणा के अंदर हो, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी टर्म एंड कंडीशन रहेंगी डेपुटेशन की, वो एज़ पर हरियाणा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेंगी। अब इनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेंगी वो हम आपको बताएंगे। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आप एक बार आप नोट कर लीजिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2020 है, ये यहाँ पे स्टार्टिंग में, हाँ यहाँ लिखा हुआ था। ठीक है, ठीक है। तो ये सेक्रेटरी टू वाइस चांसलर पोस्ट के लिए जो जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पे है। लाइक एज ए वर्किंग ऑन एनालॉग पोस्ट है, बैचलर डिग्री या एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस एज PA, PS, SPS होना चाहिए। ऑफिस 2 ईयर एक्सपीरियंस एज प्राइवेट सेक्रेटरी या SPS हो और नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत भी होना चाहिए अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड। प्राइवेट सेक्रेटरी की बात करें तो या तो सेम पोस्ट हो या बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और 3 ईयर्स का PA का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 5 ईयर एक्सपीरियंस एज सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर का होना चाहिए। साथ ही शॉर्ट हैंड स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जी जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर। इसके लिए टाइपिंग स्पीड भी है 40 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड तक। लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करें तो वर्किंग ऑन एनालॉग गैस पोस्ट, बीलिब, एमलिब या लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। 2 साल का ऑफिस एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए कलर, कंप्यूटर ऑपरेटर और इक्विवेलेंट। 30 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होना चाहिए और नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत आपको मैट्रिक स्टैंडर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है JEE सिविल के लिए, इसके लिए जो चाहिए वर्किंग ऑन एनालॉग पोस्ट होना चाहिए, डिप्लोमा कोर्स इन सिविल इंजीनियरिंग विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए और BE BTech होना चाहिए और नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट इज जूनियर प्रोग्रामर वर्किंग ऑन एनालॉग पोस्ट, BE BTech इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MC हो, एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस एज कंप्यूटर ऑपरेटर हो और नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड होना चाहिए और हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर
की हम बात करें तो बीएससी वर्किंग ऑन एनालॉग पोस्ट या बीएससी इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टोर कीपर की हम बात करें तो वर्किंग ऑन एनालॉग पोस्ट या बैचलर डिग्री वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर अप्लीकेशन या बी सी एम सी बी टेक एम टेक होना चाहिए। हिंदी संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड। लैब असिस्टेंट की हम बात करें तो बैचलर डिग्री इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अकाउंट्स क्लर्क की बात करें तो वर्किंग ऑन एनालॉग पोस्ट या बैचलर डिग्री इन कॉमर्स मतलब बी कॉम या वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग द सेट इन कंप्यूटर अप्लीकेशन और या फिर बी सी एम सी ए बी टेक एम टेक होना चाहिए और नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं और इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके सारे पॉइंट्स देखने होंगे। अगर आप सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको एनओसी भी आपको साथ साथ में सबमिट करनी पड़ेगी फ्रॉम द हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं विद अप्लीकेशन फॉर्म के साथ में, सेल्फ अटेस्टिव फोटोकॉपी ऑफ मैट्रिक शोइंग योर डेट ऑफ बर्थ एंड सेल्फ अटेस्टिव फोटोकॉपी ऑफ असेंशियल डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप लगाएंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। फोटो कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कंसर्न अपॉइंटिंग अथॉरिटी एनी अदर डॉक्यूमेंट इफ रिक्वायर्ड। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको स्क्रूटनी सिलेक्शन इंटरव्यू के टाइम में लेके आने हैं वो ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स टेस्टिमोनियल्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स मेंशन अबो एंड वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल दीज सर्टिफिकेट्स, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ में आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए। ये पॉइंट्स हैं। अगर हो सकता है आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें साथ साथ में ही दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी महू यूनिवर्सिटी से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, नॉन टीचिंग वैकेंसी से संबंधित। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक का बटन दबा के ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।